प्रॉब्लम्स को बाय हैप्पीनेस को हाय के इस प्रोग्राम में मैं ईला आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। पिछले भाग में हमने यह देखा कि मन में दो तरह के थॉट्स होते हैं, पॉजिटिव थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स। पॉजिटिव थॉट्स एनर्जी क्रिएट करते हैं, नेगेटिव थॉट्स एनर्जी कंज्यूम करते हैं। तो इन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानते हैं कि किस तरह से हम हमारी थॉट पावर को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए मैं स्वागत करती हूँ सिस्टर तृप्ति का। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर तृप्ति, आज आप हमें ये बताइए कि हम किस तरह से हमारी थॉट पावर को मैक्सिमाइज कर सकें। अकासुर और बकासुर की कहानियाँ तो हमने सुनी होंगी। अकासुर, अक प्लस असुर। अक माना कड़वा बोलने वाला इंसान और बकासुर माना बक प्लस असुर, वह इंसान जो बकवास करता है, व्यर्थ बोलता है। तो जब हम नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं अपने माइंड में तो आउटपुट कैसा होगा? जैसा इनपुट होगा वैसा ही आउटपुट इस कंप्यूटर में दिखाई देगा। अगर थॉट्स नेगेटिव हैं, इनपुट नेगेटिव है, तो आउटपुट क्या होगा? कड़वा बोल, माना हम अकासुर बन जाते हैं। और हम दूसरे केस को लें, जब हम बकासुर बोल बन जाते हैं, माना व्यर्थ चिंतन, ऐसा चिंतन जिसकी हमें आवश्यकता नहीं। जब ऐसा चिंतन करते हैं, जब वेस्ट थॉट्स हम अपने मन को देते हैं, तो आउटपुट कैसा होगा? हम वेस्ट बोलने लगते हैं, व्यर्थ बोलने लगते हैं और बकासुर बन जाते हैं। तो हमें क्या करना है? न अकासुर बनना है, न बकासुर बनना है। हमें न नेगेटिव सोचना है और न ही व्यर्थ सोचना है। हमेशा हमें क्या सोचना है? पॉजिटिव। हमारा मन एक पानी के पूल की तरह होता है। तो पूल में अगर हम पत्थर डालते हैं तो क्या होता है? रिपल्स क्रिएट होते हैं। तो उसी प्रकार मन में जब हम थॉट्स क्रिएट करते हैं तो क्या होता है? मन में भी इस प्रकार रिपल्स क्रिएट होते हैं, वेव्स क्रिएट होती हैं। अगर हम इसमें छोटा पत्थर डालें, माना एक छोटा सा संकल्प डालें, तो रिपल्स कैसी होंगी? छोटे रिपल्स होंगे, जिसमें हम अपना चेहरा देख तो सकेंगे लेकिन थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड नज़र आएगा। पर अगर हम उसमें बड़ा पत्थर डाल दें पानी के पूल में तो क्या होगा? ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा, वेव्स ज़्यादा क्रिएट होंगी, रिपल्स ज़्यादा क्रिएट होंगे। और अगर अब हम अपना चेहरा देखना चाहें उस पानी में तो हमें हमारा चेहरा नज़र आना बहुत मुश्किल है। और अगर ऐसी सिचुएशन देखें जब उसमें हम कोई पेबल ही न डालें, जब उसमें हम कोई स्टोन ही न डालें, तो क्या होगा? पानी स्टिल होगा। और उसमें अगर हम अपना चेहरा देखें तो हमें अपना चेहरा स्पष्ट नज़र आएगा। अगर सामने वाला भी उस पानी में अपना चेहरा देखना चाहे तो उसे भी अपना चेहरा स्पष्ट नज़र आएगा। तो वह भी अपने चेहरे को स्पष्ट देख सकता है, हम भी उसके चेहरे को स्पष्ट देख सकते हैं। तो इसी प्रकार हमारा मन भी होता है। मन में जितने थॉट्स क्रिएट होते हैं उतना ही हमें अपने आप को जानना और सामने वाले को जानना कठिन हो जाता है। और मन में जितनी थॉट्स की क्वांटिटी, थॉट्स की संख्या कम होती है, जितने ही इसमें वेव्स कम जनरेट होती हैं, यह मन जितना स्टेबल होता है, जितना स्टिल होता है, उतना ही हम अपने आप को भी साफ देख सकते हैं, सामने वाले को भी उतना ही स्पष्ट देख सकते हैं और जैसी सिचुएशन है हमें हूबहू वैसी नज़र आती है। और इसमें पर्सपेक्टिव की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। तो ज़रूरी क्या है? यह जो पूल है, मेरा मन है, इसमें हम कम से कम थॉट्स को क्रिएट करें
और स्टेबिलिटी, दिस इज गुड फॉर माई माइंड। नॉर्मली हमारे मन में 20 से 30 संकल्प, 20 टू 30 थॉट्स पर मिनट जेनरेट होते हैं। और हम अगर देखें तो वेव्स, कितनी तरह के वेव्स होती हैं? एक होती है अल्फा वेव्स, अगर हमने साइंस में देखा हो, होती है फिर बीटा वेव्स, फिर थीटा वेव्स और फिर गामा वेव्स। तो मन में जो ये वेव्स जेनरेट होती हैं थॉट्स के कारण, तो अगर 20 टू 30 थॉट्स पर मिनट, जो कि नॉर्मल स्पीड है मेरे मन की, अगर 20 टू 30 थॉट्स हो तो वेव्स कितनी होंगी? 20 टू 30 वेव्स होंगी। और अल्फा वेव्स जो हमने साइंस में पढ़ा है वह होती है 8 टू 13 नंबर ऑफ वेव्स। तो इसका मतलब नंबर ऑफ थॉट्स जब रिड्यूस होते हैं, नॉर्मल से कम होते हैं, 8 टू 13 या 8 टू 15 के रेंज में होते हैं, तो वह नंबर ऑफ थॉट्स की कमी के कारण जो अल्फा वेव्स जेनरेट होती हैं वो मेरे मन के लिए अच्छी हैं। सिर्फ मन के लिए ही नहीं, पर मेरी बॉडी के लिए भी, मेरे ब्रेन के लिए भी नंबर ऑफ थॉट्स कम होते हैं, अल्फा वेव्स जेनरेट होती हैं, और ये अल्फा वेव्स मेरे ब्रेन को, मेरे मन को और मेरी बॉडी को शांति पहुंचाती हैं। पर अगर ऐसी सिचुएशन हो जहां हमें ज़्यादा सोचना पड़े, और नॉर्मल हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, हम कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं, तो क्या होता है, नंबर ऑफ थॉट्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये जो नंबर ऑफ थॉट्स इंक्रीज हो जाते हैं वो किस रेंज में होते हैं? बीटा वेव्स फॉर्मेशन हो जाता है, बीटा वेव्स के रेंज में होते हैं। तो जब 13 टू 40 हमारी वेव्स क्रिएट होती हैं मन में, तो बीटा वेव्स का जेनरेशन होता है। और कहा जाता है बीटा वेव्स तब जेनरेट होती हैं जब हम नॉर्मल दिनचर्या के काम करते हैं, और हायर बीटा वेव्स तब जेनरेट होती हैं जब दिनचर्या के काम के साथ साथ हमें टेंशन हो जाता है, क्रोध आ जाता है, तनाव आ जाता है, हम दुखी हो जाते हैं, तो हायर बीटा वेव्स निकलती हैं, नंबर ऑफ थॉट्स 40 या 50 तक पहुंच जाते हैं। तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ थॉट्स को कम रखना है। जितने कम होंगे उतना हमारे मन को रिलैक्सेशन मिलेगा। और नींद में क्या होता है, अब तो हमने देखा कि जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तब क्या होता है, पर नींद में जब हम सोते हैं तो नंबर ऑफ थॉट्स और भी कम हो जाते हैं, अल्फा वेव से भी लोअर चले जाते हैं, तो थीटा वेव्स नॉर्मली जेनरेट होती हैं। पर जब हम डीप स्लीप में चले जाते हैं तो हमारे मन से डेल्टा वेव्स का फॉर्मेशन होता है, सो नंबर ऑफ थॉट्स अराउंड 3 to 5 थॉट्स पर मिनट जेनरेट होते हैं। और यही कहते हैं रिलैक्सेशन के लिए बेस्ट पीरियड है, यही वह टाइम है जब हमें सबसे ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता है। किसे? मेरे मन को, मेरे ब्रेन को और मेरी बॉडी को। तो हमने यह देखा नंबर ऑफ थॉट्स जितने कम होते हैं उतना ही अधिक रिलैक्सेशन मिलता है मेरे मन को, मेरे ब्रेन को और मेरी बॉडी को। उतनी ही एनर्जी जेनरेट होती है, क्रिएट होती है, और ये वो विचार हैं जो पॉजिटिव थॉट्स कहलाते हैं। तो जब एनर्जी क्रिएट होती है तब हमें अच्छा लगता है, तब हमारा इनपुट भी पॉजिटिव होता है और हमारा आउटपुट भी पॉजिटिव होता है। तो सिस्टर तृप्ति, क्या ये कहना सच होगा कि जब हम डीप स्लीप में होते हैं, गहरी नींद में होते हैं, तब हम मैक्सिमम एनर्जी जनरेट करते हैं? सही है, ये बिल्कुल सही है। जब हम डीप स्लीप में होते हैं और तब हम मैक्सिमम एनर्जी जेनरेट करते हैं, और जो हमारे शरीर को और हमारे मन को रिलैक्सेशन पहुंचाती है। पर इला, यह ज़रूरी नहीं कि यह रिलैक्सेशन, मैक्सिमम रिलैक्सेशन माना डेल्टा वेव्स का फॉर्मेशन सिर्फ डीप स्लीप में ही हो। हम जब मेडिटेट करते हैं तब भी, मेडिटेशन की स्टेट में भी डेल्टा वेव्स का जेनरेशन होता है,
और उस समय भी हमें उतना ही आराम, उतना ही रिलैक्सेशन मिलता है जितना कि हमें गहरी नींद में, डीप स्लीप में मिलता है। इसलिए कहते हैं ना, 6 घंटे की नींद और कुछ मिनटों का मेडिटेशन, तो इसमें जो एनर्जी क्रिएट होती है, एनर्जी जेनरेट होती है बॉडी में, वह सिमिलर एनर्जी होती है। तो इसका ये अर्थ, जनरली तो कहा जाता है कि 8 घंटे की नींद ज़रूरी है, पर अगर आप मेडिटेट करते हैं, ध्यान करते हैं, तो 6 घंटे की नींद भी आपके लिए इनफ है। ये कहा जाता है कि 8 घंटे, कुछ लोग 8 घंटे सोते हैं, कुछ लोग रिलैक्सेशन के लिए 9 घंटे भी सोते हैं, पर नॉर्मली अगर हम स्लीप पैटर्न को ऑब्जर्व करें तो नॉर्मली 6 घंटे की नींद किसी भी मनुष्य के लिए सेटिस्फैक्ट्री होती है, क्योंकि हमारे नींद के जो स्लॉट्स होते हैं वह 1.5-1.5 घंटे की साइकिल्स होती हैं, और इन साइकिल्स में जितना रिलैक्सेशन मिलना चाहिए वह 5.5 से 6 घंटे में इस शरीर को मिल जाता है। माना जितना अल्फा वेव्स और डेल्टा वेव्स का जेनरेशन होना चाहिए, 99% जेनरेशन हो जाता है 5.5 से 6 घंटे तक, और उसके बाद अगर हम सोते हैं तो हम उसे आलस्य कह सकते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं उसके बाद नींद से हमें कोई रिलैक्सेशन ज़्यादा नहीं मिलने वाला। तो आइडियल स्लीप टाइम इज अराउंड 6 आवर्स, और वो हम सब के लिए इक्वली लाभदायक है, 6 घंटा सोना, न ज़्यादा न कम। और क्या बच्चों के लिए भी 6 घंटे ही इनफ है कि बच्चों को ज़्यादा सोना चाहिए? कहते हैं बच्चों को थोड़ा ज़्यादा सोना चाहिए, क्योंकि उनको थोड़ा ज़्यादा रिलैक्सेशन की ज़रूरत होती है, पर जब वो बड़े होने लगते हैं तो आइडियल है अराउंड 6 आवर्स ऑफ स्लीप इन अ डे। तो सिस्टर तृप्ति, जब हम डीप स्लीप में होते हैं तब हमें ज़्यादा रिलैक्सेशन होता है, या जब हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं तब हमें ज़्यादा रिलैक्सेशन होता है? और क्या हम जागते हुए भी, दिन में भी, उस मैक्सिमम रिलैक्सेशन के अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं क्या? हाँ, ये सच है कि जब हम सोते हैं डेल्टा वेव्स का फॉर्मेशन होता है और हम रिलैक्स हो जाते हैं। मेडिटेशन में भी हम यही करते हैं, और नॉर्मली जब हम जागे हुए रहते हैं, अपने रोज़मर्रा के काम करते रहते हैं, हमने देखा हमारे थॉट्स अराउंड 20-30 थॉट्स पर मिनट क्रिएट होते हैं, और ऐसे ही दिन में कभी कुछ हो जाता है हमारे साथ, हमें गुस्सा आ जाता है, तो जब हम क्रोध में होते हैं तब यही नंबर ऑफ काउंट इंक्रीज हो जाता है 20 से ज़्यादा, 20 और 25 के बीच में। और जब हम ईगो से भरे हुए होते हैं, कभी कभी कहते हैं ना कि हम कभी कभी इतने अहंकार में मदमस्त हो जाते हैं, क्या करता है अहंकार में मदमस्त हाथी, वो सभी को कुचलते हुए चलता है। तो ईगो इज़ नॉट गुड फॉर मी, जब ऐसे विचार हमारे मन में आते हैं तो नंबर ऑफ थॉट्स 25-30 के रेंज में होते हैं, माना वो और बढ़ जाते हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर माई माइंड, विच इज़ नॉट गुड फॉर माई ब्रेन, एंड दिस इज़ नॉट गुड फॉर माई बॉडी। और अगर हमें नंबर ऑफ थॉट्स रिड्यूस करने हैं, क्योंकि रिलैक्सेशन कैसे मिलता है, नंबर ऑफ थॉट्स को जितना रिड्यूस करेंगे उतना ही ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करेंगे। तो रोज़ के दिनचर्या में भी अगर हम लवफुल हैं, अगर हम पीसफुल हैं, अगर हमारे मन में खुशी है, आनंद है, संतुष्टता है, अगर इस तरह की फीलिंग्स हैं, तो हमारे मन में जो थॉट्स जेनरेट होते हैं उनकी क्वांटिटी कम हो जाती है, डिक्रीज होने लगती है, और तब भी हमारा माइंड रिलैक्स्ड रहता है। रिलैक्स्ड होता है माने हमें अच्छा लगता है, किसको पसंद नहीं है, प्रेम सबको पसंद है, शांति सबको पसंद है, खुशी सबको पसंद है। पसंद क्यों है? क्योंकि उस समय हम रिलैक्स्ड फील करते हैं, एनर्जी क्रिएट होती है, इसलिए वह स्टेट हमें पसंद आती है। तो दिनचर्या में भी हम इस प्रकार के थॉट्स क्रिएट करके अपने आप को रिलैक्स्ड कंडीशन में रख सकते हैं। मेडिटेशन कुछ और नहीं, लवफुल थॉट्स, पीसफुल थॉट्स, प्योर थॉट्स को क्रिएट करके
हमें मन को और ब्रेन को और बॉडी को रिलैक्स करने की टेक्निक है। मेडिटेशन में भी या फिर जब हम जागे हुए रहते हैं तब भी अगर हमारे थॉट्स प्योर होते हैं और जब हम डीप प्योरिटी का अनुभव करते हैं तब नंबर ऑफ थॉट्स जो डिक्रीज होते हैं वे लगभग 10 थॉट्स पर मिनट इस प्रकार के थॉट्स जेनरेट होते हैं। जब हम और गहराई में जाते हैं मेडिटेशन की और जब हम शांति का अनुभव करते हैं, गहन शांति डीप पीस का अनुभव करते हैं, तब ये नंबर ऑफ थॉट्स रिड्यूस होके 8 थॉट्स टू 6 थॉट्स हो जाते हैं पर मिनट। फिर जब हम मेडिटेशन में गहन प्रेम का अनुभव करते हैं तो उस समय ये थॉट्स और रिड्यूस हो जाते हैं अराउंड 6 to 5 थॉट्स पर मिनट। और जब हम सुख का अनुभव करते हैं तो सुख का अनुभव करते समय ये नंबर ऑफ थॉट्स और रिड्यूस हो जाते हैं अराउंड 4 पर मिनट। आनंद की अनुभूति करते हैं तो अराउंड 2 पर मिनट। और जब परम शांति की अनुभव करते हैं तो अराउंड 1 to 2 थॉट्स पर मिनट जेनरेट होते हैं। थॉट्स को ज़ीरो करना, काफ़ी लोग कहते हैं कि हमारा माइंड तब रिलैक्स होता है जब हम शून्य विचार हमारे मन में होते हैं, ज़ीरो थॉट्स हमारे मन में विचार होते हैं। पर ज़ीरो थॉट्स ऐसा स्टेट जहाँ कोई थॉट ही ना हो, थॉटलेसनेस, मुझे नहीं लगता यह संभव है। हाँ, हम नंबर ऑफ थॉट्स को रिड्यूस कर सकते हैं, 1 या 2 थॉट्स पर मिनट का जेनरेशन कर सकते हैं और वही एक ऐसी स्टेट है जब हमें मैक्सिमम रिलैक्सेशन मिलता है। और इस प्रकार का रिलैक्सेशन अगर हम चाहें तो अवेयरनेस की स्टेट में, जब हम अपना काम करते हैं, काम करते करते भी अगर इस प्रकार के डीप थॉट्स हम क्रिएट करते हैं, लवफुल थॉट्स, पीसफुल थॉट्स, प्योर थॉट्स, तो हम दिन में भी इतने ही रिलैक्सेशन का अनुभव कर सकते हैं काम करते करते। और इसी को कहते हैं कर्म योग। वह योग, वह मेडिटेशन जो कर्म करते करते किया जाए और वह रिलैक्सेशन जो हमें काम करते करते मिले। तो इस प्रकार हमने देखा जितने ही थॉट्स हमारे कम होते हैं, संकल्पों की संख्या कम होती है, विचारों की संख्या कम होती है, उतना ही ज़्यादा हमें रिलैक्सेशन मिलता है। रिलैक्सेशन इसलिए मिलता है क्योंकि उतनी ही ज़्यादा एनर्जी क्रिएट होती है। और इस स्टेट में जब नंबर ऑफ थॉट्स रिड्यूस होते हैं उस समय जो भी थॉट, जो भी संकल्प हमारे मन में आता है वह संकल्प बहुत पावरफुल हो जाता है। तो अगर हमें पावरफुल थॉट्स क्रिएट करने हैं, हम बात कर रहे हैं थॉट पावर की, माइंड पावर की, हम बात कर रहे हैं किस प्रकार से अपने संकल्पों को, अपने थॉट्स को पॉजिटिव बनाया जाए, पावरफुल बनाया जाए, तो ये वो स्टेट होती है जब हमारे थॉट्स सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो जितना ही कम हमारे थॉट्स हो मन में उतनी ही ज़्यादा पावर होगी हमारे थॉट्स में। और जब हम इस टेक्निक का प्रयोग निरंतर करते रहेंगे, सुबह शाम मेडिटेट करेंगे, दिन भर भी ऐसे ही लवफुल पीसफुल प्योर थॉट्स में हम रहेंगे, नेगेटिव थॉट से परहेज करेंगे, वेस्ट थॉट से परहेज करेंगे, तो हम क्या करेंगे, उतने ही पावरफुल थॉट्स को क्रिएट करते जाएंगे और उतना ही पावर बैंक मेरे मन में जमा होता जाएगा। क्योंकि क्या है, ये एक रेगुलर प्रैक्टिस है। अगर हम आज के दिन अवेयर हैं और आज के दिन हम कोशिश करेंगे कि आई बी लवफुल टुडे, आई बी पीसफुल टुडे, आज मैं मन में चिड़चिड़ाहट गुस्सा नहीं करूंगी, और आज मैंने वो स्टेट अचीव कर भी ली, तो क्या होगा, मेरे थॉट्स की क्वांटिटी आज के लिए नॉर्मल से कम हो जाएगी, तो मेरे थॉट्स में पावर आज के लिए
नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा आ जाएगी। पर अगर कल फिर मैंने गुस्सा कर दिया, भूल गई कि मुझे गुस्सा नहीं करना है और मुझे फिर गुस्सा आने लगा तो क्या होगा? फिर मैं नेगेटिव स्टेट में पहुंच जाऊंगी और फिर मुझे रिवाइंड करना पड़ेगा, फिर अपने आप को चार्ज करना पड़ेगा। तो इट इज़ रिक्वायर्ड कि हम इस स्टेट में कंसिस्टेंट बेसिस पे रहें, कंसिस्टेंटली हम अच्छे थॉट्स जेनरेट करते रहें। हाँ, गुस्सा आता है बीच बीच में, कभी कभी कुछ ऐसे ख्याल आते हैं मन में जो हमारे मन के लिए अच्छे नहीं, बट बी अवेयर, अरे शायद कुछ मन में गलत चल रहा है। और हमने क्या देखा? स्टॉप, चेक एंड चेंज। उस थॉट को, नेगेटिव थॉट को तुरंत कन्वर्ट कर दें पॉजिटिव थॉट में, और फिर उसी पॉजिटिव थॉट में या तो पीसफुलनेस में या फिर लवफुलनेस में, प्यूरिटी में, हैप्पीनेस में, फिर अपन हम कंटिन्यू करें। तो ऐसा हम जितने ज़्यादा इन थॉट्स में रहेंगे उतने ही हमारे थॉट्स की क्वांटिटी कम होती जाएगी और हम धीरे धीरे रियलाइज़ करेंगे कि उतनी ही पावर ऑफ माइंड, पावर ऑफ थॉट इंक्रीज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ये फॉर्मूला है, ये एक टेक्निक है हमारे थॉट्स को पावरफुल बनाने की, हमारे थॉट्स को शक्तिशाली बनाने की। और अब हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, इसका प्रयोग करके देखेंगे। और हम सभी को अपने आप को ऑब्जर्व करना है कि अगर हम प्रेम पूर्वक रहे, शांति पूर्वक रहे, अगर हम खुशी में रहे, तो हम देखेंगे हमारी एनर्जी भी लेवल हाई रहती है और मेरे थॉट्स भी पावरफुल रहते हैं। पर यह एक बार या दो बार करके नहीं होगा, दिस विल हैपन व्हेन वी प्रैक्टिस दिस ओवर अ कंसिस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम। आज सिस्टर तृप्ति ने हमें अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा रेस के बारे में बताया। अब तक हमें इनकी जानकारी साइंस के माध्यम से पता थी, पर आज हमने इनका सही अर्थ जाना। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्सेशन करना है ताकि हम डेल्टा वेव्स फॉर्म करें जो हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी देते हैं। हमें नंबर ऑफ थॉट्स लिमिटेड रखने हैं और हमें मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए ताकि हम जगते हुए भी संपूर्ण रिलैक्सेशन का अनुभव कर सकें। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मैं आभार मानूंगी सिस्टर तृप्ति का। थैंक यू सिस्टर तृप्ति। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। ओम शांति। ओम शांति।